इट कंसिस्ट सम्स ऑफ 25 मार्क्स, 25 to 20, 20 to 25 मार्क्स, मिनिमम 15 मार्क वाला सम है ना रस्ट, एंड मैक्सिमम इट कैन गो टू 25. अलग अलग चैप्टर्स है इसमें प्रैक्टिकल, ठीक है. नाउ वी नीड टू स्टडी समथिंग अबाउट इंटरनेशनल बैंकिंग, कारण की आतापर्यंत अपन जे शिकलो है ते बैंकिंग शिकलो है, कि हमने अभी तक क्या सीखा है, बैंकिंग क्या होता है, ठीक है. बैंकिंग का मतलब तो हमने सीखा है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी. नाउ व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर मतलब कि क्या हम लोग को इस चैप्टर में से सीखना है, दैट इज व्हाट इज इंटरनेशनल बैंकिंग, व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंटरनेशनल बैंकिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बैंक, रीजंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नीड्स बोल सकते हो ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग, हाउ डज इट वर्क, यूरो करेंसी मार्केट. ये तो मैंने आपको पूरे पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया. इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ओवरऑल सीखने हैं. अब सबसे पहले व्हाट इज इंटरनेशनल बैंकिंग, ठीक है. द इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री द मतलब दिस इंडस्ट्री वॉज फॉर्म इन 1970s. इसके पहले भी था इंटरनेशनल बैंकिंग, लेकिन क्या इतना ट्रेडिंग नहीं होता था और बैंकिंग का रिक्वायरमेंट नहीं रहता था. इसके लिए ये जो चीज चालू हुई 1970s में, उसके पहले तक एवरी बैंक्स वर कॉन्सेंट्रेटेड एट देयर होम्स, होम मार्केट, स्वतःच्या होम मार्केट वरती ते कॉन्सेंट्रेट करायचे. मतलब हाँ, मेरे इतना, मेरे इधर इतना ही करना है, ऐसे करना है, वो हिसाब से, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट्स रैपिडली बढ़े ड्यू टू इंटरनेशनल मार्केट्स का ग्रोथ, ठीक है. इंटरनेशनल मार्केट का ग्रोथ मतलब क्या, वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल मार्केट. जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेडिंग चालू हो गया, तो उसके वजह से क्या हुआ, फाइनेंस का बहुत क्वेश्चन रहता है कि क्या करना है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा. तो अ मेजर रीजन वाज इंटरनेशनल मार्केट के बाबा इंटरनेशनल बैंकिंग का जरूरत पड़ा, ठीक है. उसके बाद क्या था कि अगर मेरे को कुछ भी करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज खरीदनी है, बेचनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ता था कि बिजनेस जो अपना है रन ऑन क्रेडिट बेसिस. अभी क्रेडिट बेसिस पे जो बिजनेस चलाना है, मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को रिस्क लेना है. अब रिस्क अपने लोकल मार्केट में रहेगा तो मैं जाके गला पकड़ सकता हूँ डीलर का, बाबा चल तूने पैसा नहीं दिया. लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनेशनल मार्केट के, बाबा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा क्लाइंट बैठा है यूएसए में, तो वो रिस्क कैसे उठाएगा. तो वो रिस्क के लिए क्या होता था कि इट वॉज नीड समवन टू गिव सम गारंटी, समवन टू कम इन बिटवीन, समवन टू हेल्प. इसके लिए भी इंटरनेशनल बैंकिंग की जरूरत पड़ी. के बाद क्या था कि फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए, और बैंकिंग एक्टिविटीज मतलब फंड मोबिलाइजेशन होने के लिए इंटरनेशनल बैंकिंग का बहुत रिक्वायरमेंट था. फंड मोबिलाइजेशन होने के लिए इंटरनेशनल बैंकिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है कि वहां हमें को फंड मैनेज करना है, फंड यहाँ से वहां पे भेजना है. ये सीधी बात है, अभी कैश में ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं. इधर से आप लेके जाओगे अपना इंडियन रुपीज, वहां पे जाके बोलोगे अरे मेरे को ये खरीदने का, वहां पे तो उनका करेंसी चलेगा. हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म देखने के लिए, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का निर्माण हुआ, उसका मैकेनिज्म करने के लिए, ये सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ा, ये सब चीजों के लिए अपने को इंटरनेशनल बैंकिंग लेना पड़ा. द फाइनेंशियल एक्टिविटीज डन ऑल ओवर the world or across the country border, from different ways, different means can be called as international banking activities in simple format. ठीक है, अभी this banking activities are outside the political boundaries, है ये boundary के बाहर है, मतलब within the country होता तो इसको domestic banking बोलते थे, within the country होता तो इसको domestic market बोलते थे, ये outside the market बेटा, ठीक है. अब इंटरनेशनल बैंक से कौन से सर्विस है, ये हम लोग पहले चैप्टर में ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर हम लोग डीप में आपका सिलेबस वाइज सब डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है. तो इंटरनेशनल बैंकिंग क्या करता है, इंटरनेशनल बैंकिंग बहुत सारी चीजें करता है जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखी है, ये भी इंटरनेशनल बैंकिंग ही करता है. क्रेडिट मैनेजमेंट आपको करके देता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको अच्छा ऑप्शन देता है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है, गारंटीज देता है, फंड मोबिलाइजेशन करता है, फॉरेक्स रेट को कंट्रोल करता है. उसके अलावा अरेंजिंग ट्रेड फाइनेंस, मतलब अगर आपने सुना होगा कि एक्सपोर्ट ट्रेड फाइनेंस, इंपोर्ट ट्रेड फाइनेंस, मेरे को गुड्स अगर मेरे यहाँ के बाहर भेजने, जैसे कि इंडिया का मैंगो बाहर एक्सपोर्ट होता है, तो वो मैंगो एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे को जो पैसा लगेगा
उसके लिए लोन प्रोवाइड करना या कोई गारंटी प्रोवाइड करना, दैट इज अरेंजिंग ट्रेड फाइनेंस. अरेंजिंग फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या कि अगर आपको यहाँ से यूएसए में कुछ पेमेंट करना है तो यूएस वाले क्या मांगेंगे बेटा, यूएस वाले मांगेंगे कि मेरे को तू क्या दे, तू मेरे को सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स दे. दे विल नॉट आस्क फॉर एनी रूपी, रूपी वहां पे चलेगा ही नहीं. वी नीड टू कन्वर्ट द करेंसी. इसके लिए ये सब चीजें अपने को करनी बहुत जरूरी है. हम लोग अलग अलग टाइप्स की चीजें पढ़ने वाले, यूरो करेंसी मार्केट पे पूरा चैप्टर है, आपको क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग. यूरो करेंसी बॉन्ड्स क्या होता है ये हम लोग इस ओवरव्यू बैंकिंग में पढ़ने वाले, ठीक है. उसके अलावा ये जो मैंने लिखे है साइड में ये चीजें यहाँ पे आ गई है कि क्या क्या होगा. फंड मोबिलाइजेशन होगा, फिर बाद में रिस्क मैनेजमेंट होगा, और एक चीज हो सकती है वो है लिक्विडिटी, ठीक है. आपने पहले सुने होंगे ये वर्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए. इंटरनेशनल मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने को बैंकिंग की जरूरत है, ठीक है. इंटरनेशनल मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने को बैंकिंग की जरूरत है. सो व्हाट आर द नीड्स ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग? सो द नीड्स ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग आर लिक्विडिटी इन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में पैसा प्रोवाइड करना, क्रेडिट मैनेजमेंट करना इंटरनेशनल मार्केट का, रिस्क मैनेजमेंट करना इंटरनेशनल मार्केट का, गारंटीज प्रोवाइड करना इंटरनेशनल मार्केट के लिए, फंड मोबालाइज करना मतलब डिपॉजिट करना, लेंडिंग करना, बोरोइंग करना, फॉरन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना. दिस कैन बी, यू कैन राइट दिस एज नीड ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग, जो नाम से लिखो वो सही है. आप इसको स्कोप बोलो, देखो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सिमिलर रहेंगे. आप इसको स्कोप बोलो, नीड बोलो, कुछ भी बोलो, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, स्कोप, नीड, एनीथिंग. ये आपके लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन रहेगा. पहला ही क्वेश्चन है चैप्टर का कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग. तो ये आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं जो मैंने साइड में लिखा है, जो यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा उसको मैं पॉइंट वाइज कर रहा हूँ, ठीक है. वी आर लर्निंग इट फ्रॉम स्लाइड शेयर. स्लाइड शेयर पर रेडीमेड एक पीपीटी है इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में, जो आपको मैं ओवरव्यू देने के लिए आऊँ. नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सिलेबस वाइज इसको फ्रेमिंग करेंगे, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स में यहाँ पे आप देखोगे करस्पॉन्डेंट बैंक. करस्पॉन्डेंट बैंक मतलब बैंक्स लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, दोज हू करस्पॉन्ड विद ईच अदर. मतलब क्या हो सकता है, सेम ब्रांच है इसका, इंडिया में ICICI बैंक है, वही बैंक न्यूयॉर्क में भी है, ऐसे कुछ तो, ठीक है. अलग अलग बैंक होते हैं, मल्टीनेशनल बैंक होते हैं, लिमिटेड बैंक फॉर लार्ज इनकम ग्रुप्स होते हैं, स्मॉल इनकम ग्रुप होते हैं. जैसे हमने इंडिया में पढ़ा SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटे इंडस्ट्रीज के लिए वगैरह होते हैं, ठीक है. इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होते हैं, मतलब क्या कि पैरेंट बैंक होती है कहीं और कंट्री में, मतलब यूएस में है. जैसे कि आपको पता है कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है इंडिया में, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, अभी न्यूयॉर्क तो इंडिया में है नहीं, लेकिन बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का ब्रांच इंडिया में है, पुणे में है इसका ब्रांच, और मेन ब्रांच कहाँ पे है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क में. मतलब क्या, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हो सकते हैं. रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मतलब क्या, अब आपको अगर किसी फॉरेन कंट्री में मतलब न्यूयॉर्क में पैसे देने हैं आपके सप्लायर को, तो ऐसा जरूरी थोड़ी आप न्यूयॉर्क जाके दोगे तो खर्चा बढ़ जाएगा आपका. तो यही से आप कैसे कैसे उसको दोगे, तो उनके छोटे 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 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होते हैं, जो छोटे बैंक होते हैं, बैंक्स भी इनको बोल सकते हो. फॉरेन ब्रांचेस है, फॉरेन ब्रांचेस मतलब क्या कि ब्रांच तो लोकल बैंक है अपने इधर, या फिर इंडिया की बैंक है ब्रांच फॉरेन में, या फॉरेन की बैंक है. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपने सुना होगा, डशेस बैंक आपने सुना होगा, इनके ब्रांचेस इंडिया में है, लेकिन इसका मेन ऑपरेशन कहीं और से होता है, ठीक है. सब्सिडरी एंड एफिलिएटेड बैंक. सब्सिडरी मतलब क्या, जो किसी दूसरे बैंक के साथ इनकॉर्पोरेटेड है, या फिर किसी बड़े बैंक का एक छोटा सा हिस्सा है. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, इंडियन मार्केट का एग्जांपल है, यस बैंक वुड बी टेकन ओवर बाय SBI, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है. तो यस बैंक को जो टेक ओवर हो रहा है, जो यस बैंक चला जाएगा, उसको हम लोग सब्सिडरी बोलोगे, और ये SBI को हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, और होल्डिंग कंपनी को बोलेंगे बेटा SBI को, ठीक है. एफिलिएटेड बैंक मतलब क्या कि उसको किसी स्पेसिफिक काम के लिए या कोई चीज कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, उसको बोलते हैं एफिलिएटेड बैंक, ठीक है. ऑफशोर बैंकिंग के पूरा चैप्टर करने वाले हो आप, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताता. ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है, एक सेंटर्स होते हैं अलग अलग जगह पे इंटरनेशनल फाइनेंस और लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, इनको रिकग्निशन होता है बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ऑफशोर बैंकिंग के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, क्योंकि अपने को चैप्टर है ऑफशोर बैंकिंग का.
ओवरऑल मैं आपको पूरा इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंस में क्या पढ़ने वाले वो बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल पे मैं अभी तक आया नहीं, ये सब थियोरिटिकल पार्ट है, ठीक है। अब इंटरनेशनल बैंकिंग के रीजंस मैंने साइड में लिखे हुए हैं, उसके अलावा ये स्लाइड क्या बोलता है देखते हैं। स्लाइड बोलता है कि लो कॉस्ट मार्जिन, देखो क्या होगा, मैंने अभी थोड़े देर पहले एग्जाम्पल दिया, मेरे को यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, न्यूयॉर्क जाके फिर पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो उसमें फ्लाइट का खर्चा, बाकी सारी चीजें, उससे अच्छे मैं क्या करता हूँ, लो कॉस्ट मार्जिन पे काम करता हूँ, जो यहाँ पे दूसरी बैंक है या ऑफशोर सेंटर होगा उससे, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मैं कुछ ना कुछ करके देख देता हूँ। नॉलेज एडवांटेज मिल जाता है, फॉरेन बैंक का जो नॉलेज रहेगा वो अलग रहेगा और इंडियन बैंक का जो नॉलेज रहेगा वो टोटली अलग रहेगा। मतलब क्या है कि अगर इंडियन बैंक, भले बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इंडिया में काम इंडिया के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, उनके जो शिफ्ट होते हैं वो पूरे फॉरेन के हिसाब से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट होम नेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दिस आर मेन थिंग्स जो हम लोग रेगुलरली पढ़ने वाले हैं। ये आपके सिलेबस का ज़्यादा बड़ा फ्रेम नहीं है, ये ओवरऑल सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट है, इसके लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आपके बिजनेस का आप इंटरनेशनल बैंकिंग का यूज करोगे। रिस्क रिडक्शन हमने थोड़ी देर पहले बात की, ठीक है। हाउ डज इट वर्क्स के लिए कुछ तो है, देखो एक डायग्राम बनी पड़ी है, हम लोग इसको एनोशन से मार्किंग करते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट, चलो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक लग्जरी स्टोर है, लग्जरी स्टोर यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक एक्सपोर्टर है, लग्जरी स्टोर नाम का एक इम्पोर्टर है, और लेटेस्ट लेटेस्ट नाम का एक एक्सपोर्टर है, एक बैंक है जो यूएस में है, एक बैंक है जो फॉरेन में है। मतलब इन शॉर्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये किसी एक कंट्री में है, ये किसी एक कंट्री में है, ठीक है। अब कैसी बात है कि इम्पोर्टर को जो गुड्स चाहिए वो कौन देगा बेटा, इम्पोर्टर को जो गुड्स चाहिए वो ये एक्सपोर्टर देगा, लेकिन एक्सपोर्टर इसको क्या बोलेगा, भाई आज के दुनिया में किसी का भला भलाई का जमाना नहीं है, कलयुग आ गया, आता मैं काय करूँ, जब तुझे माझे पैसे बुड़ोले, तू माझे पैसे दिले नहीं, तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, तो तू मेरे को बाबा कुछ तो गारंटी दे या कुछ तो कर, तो ये जाता है बाबा अपने बैंक के पास, ये अपने बैंक के पास जाता है, बोलता है बाबा मेरे को मेरा एक्सपोर्टर बोल रहा है कि बाबा कुछ तो गारंटी दे, या फिर तू किधर से तो लिखा पढ़ी करके आ, तो बैंक क्या करती है, इसके नाम का ड्राफ्ट हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, या फिर कोई तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना के भेज देती है। किसको भेजती बेटा, एक्सपोर्टर को भेजती है। अब एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर को अगर इतना ये नहीं रहेगा और उसको रिस्क लग रहा है तो एक्सपोर्टर इसको दिखाता है अपने फॉरेन बैंक से। मतलब देख लो बेटा कितने पार्टीज आ गए, चार पार्टीज आ गए, एक इम्पोर्टर, एक एक्सपोर्टर, एक इम्पोर्टर का बैंक, एक एक्सपोर्टर का बैंक। ये चार पांच पार्टीज क्यों आए, क्योंकि इसको अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना, ये इस डॉक्यूमेंट को जो यूएस इसके बैंक ने भेजा, इम्पोर्टर के बैंक ने, उसको वेरीफाई करने के लिए इसने अपने फॉरेन ब्रांच में दिखाया, फिर इसके फॉरेन ब्रांच ने इसको अप्रूवल दिया, हाँ बाबा सही है, बंदा अच्छा है, इसके पास अच्छा फाइनेंस है, और मेरा इस बैंक से बातचीत हो गया है। तो अगर इस बंदे ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो दिस बैंक विल पे आवर मनी, म्हणजे माझे पैसे माझ्याकडे सिक्योरली येतील, माझे पैसे बुडणार नाही, इसका मैंने सेटिस्फॅक्शन ले लिया, मैंने इसका गॅरंटी ले लिया, या फिर एक लेटर ऑफ क्रेडिट ले लिया, तो मेरा काम अच्छे से चलता है। दिस इज हाउ इंटरनेशनल फाइनेंस वर्क। मतलब ये पूरा इंटरनेशनल फाइनेंस नहीं, इट इज वन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, कि अब इंटरनेशनल मार्केट में इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, वी आर बीन रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर बिकॉज टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं बंदों को ज्वाइन करने के लिए, तो इसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स है विच विल बी अपलोडेड ऑन माई चैनल कॉल्ड अभय नियोगे। इसमें आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैंने एक एक दो दो चैप्टर्स, मतलब एक एक दो दो कंसेप्ट्स के वीडियोज अपलोड किए, और ये भी कर दूंगा, तो आपको ये ऑफलाइन भी यूटिलाइज आप इसको कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं आगे क्या लिखा है अपने स्लाइड्स में, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग चीजें हैं कि फाइनेंशियल मार्केट हो गया, आपको अगर पता होगा, अगर आपने को पता नहीं आपने वर्ड सुने हैं कि नहीं सुने हैं, FII, FDII, FDII हो गया, FI फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, बाहर के बंदे अपने इंडिया में आके पैसा लगा रहे, बाहर के बंदे इंडिया में आके पैसा लगा रहे, क्यों लगा रहे, कि उनको पता है कि ये मार्केट में दम है। जैसे कि हम लोग के बंदे, अगर आपने बीच में न्यूज सुनी होगी, जियो हैज इन्वेस्टेड 11,000 करोड़ इन सम यूएस कंपनी, यूएस की कोई तो कंपनी में,
अभी 11,000 करोड़ वो इंडियन मार्केट में ना लगाते हुए कहीं और लगा दिया है, मतलब क्या वो इधर से अगर वो वहां पे पैसे लगाते तो वो लोग भी उधर से अपने इधर पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज अबाउट समथिंग ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग। फॉरेन माइक फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट मतलब सिक्योरिटीज बाइंग सेलिंग होती है, अलग अलग चीज है। यूरो करेंसी मार्केट में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्या होता है कि यूरो करेंसी, देखो यूरो एंड डॉलर आर डिफरेंट डिफरेंट करेंसी, और अगर देखा जाए तो वैसे तो राइवल्स राइवल्स नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों का अपना अपना खुद का एग्जिस्टेंस है मार्केट में बड़े होने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, यूरो ने अपने खुद का एक मार्केट बना लिया जिसमें वो लोग डॉलर्स को नहीं यूरो को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। यूरो करेंसी मार्केट क्या होता है, डिपॉजिट्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल, हमको अभी नहीं पढ़ना है, आपका चैप्टर नंबर 6 है, हम लोग को सिर्फ इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग पढ़ना है, इसीलिए पूरा डिटेल इन हो सकता है। ठीक है, यूरो क्रेडिट्स हो गया, यूरो क्रेडिट्स क्या है, सिंडिकेशन ऑफ बैंक्स क्या है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में। यूरो नोट्स, यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हमारे कंसेप्ट में। यूरो कमर्शियल पेपर, यूरोपियन कंट्री ने क्या किया, अपने यूरो मतलब यूरो जो उनका करेंसी है उसको डेवलप करने के लिए ये सब चीजें उन्होंने की, यूरो करेंसी पेपर वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल बैंकिंग के कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि सबसे पहले तो लेंडिंग का रिस्क है, वह पैसा दूंगा तो वापस नहीं मिला तो बार बार कौन जाएगा दूसरे कंट्री में पैसा वसूल करने को। कंट्री रिस्क हो गया, कंट्री रिस्क मतलब अभी जो चल रहा है कोरोना वो कंट्री रिस्क है। देखो मेनी पीपल आर नाउ हेजिटेटिंग टू डील विद चाइना, तो जिन्होंने चाइनीज कंपनी में पैसा लगाया था उन लोग आज सोच रहे हो अरे पैसा अपना अटक गया। कंट्री रिस्क मतलब क्या, अगर समझो यूएस और सारे कंट्री डिसाइड करते चाइना से ट्रेड करने का ही नहीं, वो हो गया कंट्री रिस्क। या फिर समझो इंडिया इज नॉट डीलिंग विद पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया तो दिस बिकम्स कंट्री रिस्क। अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन रख रहे हैं तो नेक्स्ट इज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क आपको पता ही है कि बाबा सामने वालों ने अगर डिफॉल्ट कर दिया, सामने वाले बंदे ने क्या कर दिया बेटा, सामने वाले बंदे ने अगर तुम्हारे पैसे का डिफॉल्ट कर दिया, पैसे भरे ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, दैट इज डिफॉल्ट रिस्क। उसके बाद करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क मतलब क्या, रेट्स ऑफ करेंसी गोज अप एंड डाउन, रेट्स ऑफ करेंसी गो अप एंड डाउन, कम ज्यादा होते ही रहते हैं, तो अगर कम ज्यादा हो गए तो उससे जो इफेक्ट होगा वो करेंसी रिस्क है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वही रेट का रिस्क, ठीक है, रेट का रिस्क मतलब क्या, मार्केट के डिमांड सप्लाई के वजह से रेट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एंड समथिंग मोर टू नो इज डिफॉल्ट रेट, दिस नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, एंड ये अलग अलग चीजें हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटेल बैंक, ये आपको कवर अप नहीं करना है, आपके इसमें नहीं आएगा। सिर्फ आपको एक चीज करनी है, अलग अलग देशों की करेंसीज के सिम्बॉल्स एंड एब्रीवेशन देख के रखो, सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, टूमोरो विल बी स्टार्टिंग अप विद डिटेल study of this international banking finance. Thank you. Please like and subscribe to our channel on YouTube so that you can learn many things on that. We have many videos from your first year, from 12th standard, so that any part time of the part of your life, if you require something, you can get it offline anytime. You can download it because we have made it publicly visible to all.